रावण दो लोगों की सुनता था, रावण दो लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। भाइयों बहनों, लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। प्लीज माने सदस्य, आप सही अमित बोले, आप ये सदन आए आप तरीके से बोले। माने राम ने रावण को नहीं मारा था, रावण के अहंकार ने रावण को मारा था। आप पूरे देश में केरोसिन देख रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन देख रहे हो। आपने भरपूर में केरोसिन देखी, आपने चिंगारी लगा दी, अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश में आप जलाने लग गए हो। आप पूरे देश में भारत माता की हत्या कर रहे हो। जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे, तब तक आप मेरी मां की हत्या कर रहे हो। हिंदुस्तान की सेना मणिपुर में एक दिन में शांति ला सकती है, हिंदुस्तान की सेना का प्रयोग नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप हिंदुस्तान को मणिपुर में मारना चाहते हो। तो अगर नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान की आवाज नहीं सुनते हैं, अगर हिंदुस्तान के दिल की आवाज नहीं सुनते हैं, तो किसकी आवाज सुनते हैं? दो लोगों की आवाज सुनते हैं, किसकी आवाज सुनते हैं? माने किसकी आवाज सुनते हैं? माने सदस्य, किसलिए सुनते हैं? नो गलत तरीका। माने सदस्य, देख लीजिए अडानी जी के लिए मोदी जी ने क्या काम किया है, देख लीजिए। जो पहले आप गलत तरीका आपका, माने सदस्य आपका गलत तरीका है। आप सीधे सदस्य हैं, आप इस तरीके से बात करने मत करिए, आप बात करिए, लेकिन इस तरीके से पेश करना ये उचित नहीं है किसी तरीके से। नमस्कार, संवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। सबसे बड़ी खबर निकल के आई है, राहुल गांधी का संसद में जोरदार धमाका। राहुल गांधी ने कहा रावण दो की सुनता था, मोदी सिर्फ अमित शाह की सुनते हैं। राहुल गांधी ने बोला बड़ा हमला, कहा बीजेपी ने मणिपुर में हिंदुस्तान का कत्ल किया, आप देशद्रोही हैं। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला, अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में राहुल गांधी ने सुनाया भारत छोड़ो का यात्रा का किस्सा, कहा अहंकार मिटा देता है भारत। अगली खबर में आपको बताएंगे, राहुल गांधी के ऐलान के बाद आ गया अब संसद में भूचाल। संसद में भूचाल आते ही खड़ी हो गई स्मृति ईरानी, केंद्रीय मंत्री ने खड़ी होकर देना शुरू कर दिया जवाब। राहुल गांधी के एक ऐलान के बाद मच गया बवाल, संसद में आज जोरदार धमाका। सुनिए राहुल गांधी ने कैसे जो है वो जैसे ही खड़े हुए वैसे भाजपाइयों की रुक गई सांसें। राहुल के ताबड़तोड़ सिक्सर के बाद भाजपा हुई क्लीन, बोल्ड धमाकेदार भाषण, संसद में आ गया है भूकंप। जरा सुन लीजिए, देख लीजिए, मणिपुर मुद्दे पर पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए हैं मोदी। जो बातें मीडिया को नहीं बताई वो आज संसद में किया है धमाका। मणिपुर में कैसे हो रहा है अत्याचार, सुनिए राहुल गांधी के मुंह से। स्पीकर सर, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे लोकसभा में रीइंस्टेट किया, और पिछली बार जब मैं बोला तो शायद मैंने आपको थोड़ा कष्ट भी पहुंचाया, क्योंकि मैंने इतनी जोरों से अडानी जी पे फोकस किया कि जो आपके सीनियर नेता हैं शायद उनको थोड़ा कष्ट हुआ, तो वो जो उनको कष्ट हुआ, हमेशा अडानी पे अभी भी कष्ट हो रहा है, वो जो कष्ट हुआ अभी भी कष्ट हो रहा है, विषय पे आइए, विषय पे, अभी भी कष्ट हो रहा है, अभी भी कष्ट हो रहा है। देखिए ये सारे ये मगर सुनिए, तो वो जो कष्ट हुआ उसका असर शायद आप पे भी थोड़ा हुआ, तो इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। मगर मैंने सिर्फ सच्चाई रखी थी, मगर आज जो मेरे बीजेपी के मित्र हैं, आज आपको डरने की जरूरत नहीं है। आज जो मेरा भाषण है और आप डरो मत, डरो मत, डरो मत, डरो मत।
आज कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आज मैं अपना भाषण, मेन जो भाषण है वो अदानी जी पे नहीं बोलने जा रहा हूँ। आप छोड़िए, तो आप रिलैक्स कर सकते हैं, आप शांत रह सकते हैं, क्योंकि मेरा भाषण आज दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है। रूमी ने कहा था जो शब्द दिल से आते हैं वो शब्द दिल में जाते हैं। तो आज मैं दिमाग से नहीं बोलना चाह रहा हूं, मैं दिल से बोलना चाह रहा हूं। और मैं आज आप लोगों पर इतना आक्रमण नहीं करूंगा। मतलब एक दो गोले जरूर मारूंगा, मगर इतना नहीं मारूंगा। तो आप रिलैक्स कर सकते हैं। अरे रक्षा मंत्री जी, आज संभाल लेंगे हम लोग। पिछले साल 130 दिन के लिए मैं भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक गया, अकेला नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ। सर, ये हमारा टाइम खत्म करने का साजिश है। समुद्र के तट से मान्य सदस्य, प्लीज प्लीज ऐसे धमकाने का बाकी मत बोलो। मैं समुद्र के तट से कश्मीर की बर्फीली पहाड़ी तक चला, नहीं लद्दाख को मैंने नहीं छोड़ा। यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, यात्रा जारी है और जरूर लद्दाख आएंगे, घबराइए मत। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा यात्रा के बाद कि राहुल तुम क्यों चल रहे हो, क्या तुम्हारा लक्ष्य क्या है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक क्यों जा रहे हो? और जब वो मुझसे पूछते थे, शुरुआत में मेरे मुंह से जवाब नहीं निकलता। शायद मुझे ही नहीं मालूम था कि मैंने ये यात्रा क्यों शुरू की। जब मैं कन्याकुमारी से शुरू हुआ, मैं सोच रहा था मैं हिंदुस्तान को देखना चाहता हूं, समझना चाहता हूं, लोगों के बीच में जाना चाहता हूं, मगर गहराई से मुझे मालूम नहीं था। थोड़ी देर में मुझे बात समझ आने लगी। जिस चीज से मुझे प्यार था, जिस चीज के लिए मैं मरने को तैयार हूं, जिस चीज के लिए मैं मोदी जी की जेलों में जाने को तैयार हूं, जिस चीज के लिए मैंने 10 साल हर रोज गाली खाई, उस चीज को मैं समझना चाहता था। ये है क्या जिसने मेरे दिल को इतनी भाई, आप रनिंग कमेंट्री बंद करोगे तो हम भी चालू करेंगे। सुनने का जिस चीज रखो, जिस चीज ने मेरे दिल को इतनी मजबूती से पकड़ रखा था, उसको मैं समझना चाहता हूं। शुरुआत में जैसे मैंने शुरू किया, सालों से मैं हर रोज 8-10 किलोमीटर दौड़ता हूं, तो मेरे दिमाग में था कि अगर मैं 10 किलोमीटर दौड़ सकता हूं तो 25 किलोमीटर चलने का क्या मतलब, कोई बड़ी बात नहीं, ये मैंने सोचा था। आज मैं
उस भावना को देखूं तो वो अहंकार था कि मैं ये कर सकता हूं, ये कुछ नहीं है। तो मेरे दिल में उस समय अहंकार था। मगर भारत अहंकार को एकदम मिटा देता है, एक सेकंड में मिटा देता है। तो हुआ क्या, दो तीन दिन में मेरे घुटने में दर्द शुरू हो गया, पुरानी इंजरी थी और जबरदस्त दर्द। हर रोज मैं उठूं और मेरे घुटने में दर्द, हर कदम में दर्द। तो पहले दो तीन दिनों में जो अहंकार था, जो मतलब भेड़िया जो निकला था, वो चीटी बन गई एकदम। जो हिंदुस्तान को अहंकार से देखने निकला था, वो पूरा का पूरा अहंकार गायब हो गया। और रोज मैं डर डर के चलूं कि क्या मैं कल चल पाऊंगा, ये मेरे दिल में डर था। और जब भी ये डर बढ़ता था कहीं ना कहीं से कोई ना कोई शक्ति मेरी मदद कर देती। एक दिन मैं सह नहीं पा रहा था, एक छोटी सी लड़की आती है, मुझे चिट्ठी दे देती। मैंने चिट्ठी खोली, 8 साल की थी, उसमें लिखा था, राहुल आई एम वॉकिंग विद यू, डोंट वरी। उसने मेरे पैर में चोट देखी और उसने अपनी शक्ति मुझे दे दी। सिर्फ उसने नहीं, लाखों लोग। और शुरुआत में जब मैं चल रहा था, कोई किसान आता था, मैं एकदम उसको पहले उसको अपनी बात बताता था कि आपको यह करना चाहिए, आपको इस प्रकार से काम करना चाहिए। मगर इतने लोग आए, हजारों लोग आए कि थोड़ी देर में मैं बोल नहीं पाया। मैं जो मेरे दिल में बोलने का डिजायर था वो बंद हो गया, बोल ही नहीं पाया क्योंकि इतने लोगों से बोलना था। और एक सन्नाटा सा छा गया, भीड़ की आवाज थी, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो। और जो मेरे से बात करता था उसकी आवाज में सुनता गया। हर रोज सुबह 6 बजे से रात 7-8 बजे तक आम आदमी, गरीब अमीर, बिजनेसमैन, किसान, मजदूर, सबकी आवाज। आ रहा हूं। आप कल से रुके, अब थोड़ा और रुक रहा हूं, 5-10 मिनट रुक जाओ। तो ये चलता गया, मैं बात सुनता गया। और फिर मेरे पास एक किसान आया और किसान ने हाथ में रुई पकड़ी हुई थी और उसने मुझे कहा, मेरी आंख में देखकर उसने मुझे अपना वो रुई का बंडल दिया और उसने कहा, राहुल जी यही बचा है मेरे खेत का यही बचा है और कुछ बचा नहीं है। मैंने उससे जो मैं नॉर्मली सवाल पूछता था, भैया आपको बीमा का पैसा मिला वो पूछा। और किसान ने मेरा हाथ पकड़ा, किसान मुझे कहता है कि नहीं राहुल जी, मुझे बीमा का पैसा नहीं मिला। हिंदुस्तान के बड़े उद्योगपतियों ने वो मुझसे छीन लिया। मगर इस बार बड़ी अजीब सी चीज हुई। जब मैंने किसान को देखा और वो मुझसे बोल रहा था, तो जो उसके दिल में दर्द था वो मेरे दिल में आया। जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे, तब तक आप मेरी मां की हत्या कर रहे हो। हिंदुस्तान की सेना मणिपुर में एक दिन में शांति ला सकती है।
करती है, हिंदुस्तान की सेना का प्रयोग नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप हिंदुस्तान को मणिपुर में मारना चाहते हो। तो अगर नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान की आवाज नहीं सुनते हैं, अगर हिंदुस्तान के दिल की आवाज नहीं सुनते हैं, तो किसकी आवाज सुनते हैं? दो लोगों की आवाज सुनते हैं, किसकी आवाज सुनते हैं? किसकी आवाज सुनते हैं? इसलिए सुनते हैं। नो, एक गलत तरीका माने सदस्य, देख लीजिए अडानी जी के लिए मोदी जी ने क्या काम किया है, देख लीजिए। पहले गलत तरीका आपका माने सदस्य, आपका गलत तरीका है। आप सीनियर सदस्य हैं, आप इस तरीके का बात सदन में मत करिए। आप बात करिए, लेकिन इस तरीके से पोस्टर लाना ये उचित नहीं है किसी तरीके से। रावण दो लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। भाई और बहनों, लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। प्लीज माने सदस्य, आप संयमित बोले, आप ये सदन है, आप तरीके से बोलिए। माने राम ने रावण को नहीं मारा था, रावण के अहंकार ने रावण को मारा था। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी, आपने चिंगारी लगा दी, अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश में आप जलाने में लगे हो, आप पूरे देश में भारत माता की हत्या कर रहे हो। धन्यवाद।